चलिए डिस्कस करते हैं इस क्लास में हम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाम पे जाइए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन दो वर्ड्स लिखें। इसमें हम इसी पे फोकस करने वाले कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ की और फिर डेवलपमेंट की बात करेंगे। इकोनॉमिक हम कहते हैं ग्रोथ, व्हाट इज दिस ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है कि जब इकोनॉमी का एक पर्टिकुलर सेक्टर या कोई भी एस्पेक्ट ले लीजिए, जब वो इंक्रीज करता है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, वो बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। यानी कि सिर्फ एक सेक्टर की हम बात करते हैं, किसी भी एक एस्पेक्ट की, कि अगर हम अपनी भी बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, उसकी एज है वो बढ़ती है, एज में ग्रोथ हो रही है उसकी। अगर हम कहें किसी एरिया का, किसी स्टेट का लिटरेसी रेट बढ़ता जा रहा है, यानी कि लिटरेसी रेट ग्रो कर रहा है, ग्रोथ हो रही है। जीडीपी की मैं बात करूं कि इंडिया की जीडीपी जो बढ़ रही है, यानी कि ग्रोथ हो रही है, दिस इज ग्रोथ ओनली। तो वही इसमें है कि इंक्रीज इन द इकोनॉमिक वेरिएबल, इकोनॉमिक वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी इकोनॉमिक वेरिएबल का ग्रो करना किसी इकोनॉमी में इज ग्रोथ, चाहे वो उसका कह लीजिए एग्रीकल्चर जो है उसकी प्रोडक्शन वो इंक्रीज कर रही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। उसकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें किसी की भी मैन्युफैक्चरिंग की, आयरन स्टील जो है इंडस्ट्री की प्रोडक्शन वो बढ़ रही है। तो यानी कि वो सेक्टर, वो एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो ग्रो कर रहा है। सो इट्स अ न्यूट्रल टर्म। दूसरी बात है ये क्वांटिटी है, इसमें क्वांटिफाइएबल है, दिस इज क्वांटिफाइएबल। अभी क्वालिटी की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और जो डेवलपमेंट है, जब वो मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ होगी उसको डेवलप कहेंगे। मैं एग्जांपल दूं, मैं अगर एक ह्यूमन बीइंग की बात करूं, मैं कहूं उसकी एज वो ग्रो कर रही है, उसका वेट वो ग्रो कर रहा है, उसकी बॉडी वो ग्रो कर रही है, उसका एजुकेशन लेवल वो ग्रो कर रहा है, सब कुछ ग्रो कर रहा है उसका, यानी कि उसकी हेल्थ ग्रो, सब कुछ अच्छा हुआ, तो क्या हुआ, दिस इज ओवरऑल ग्रोथ, तो दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। इसी तरह इकोनॉमी के जब सब सेक्टर ग्रो करेंगे, हेल्थ उसका प्राइमरी सेक्टर, उसका सेकेंडरी, उसका टर्शियरी सेक्टर सारा ग्रो कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो उसमें ग्रोथ हो रही है, पहले सड़कें कम थी अब ज़्यादा हो गई हैं, टेलीकॉम जो सेक्टर वो ग्रो कर गया, सारा सेक्टर डेवलप हो, तो ओवरऑल वो क्या होगा, यानी कि अब कंट्री डेवलप कर रहा है। तो मल्टी जो वेरिएबल्स हैं इसकी हम वो बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी की भी बात करते हैं कि डेवलपमेंट इंडिकेट्स क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इन इकोनॉमी। अब उसमें हम जनरली देखते क्या है कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, कि जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो उसका जो इफेक्ट लोगों पे पॉजिटिव है कि एडवर्स है। अगर वो पॉजिटिव है तो यानी कि डेवलपमेंट अच्छी हो रही है हर चीज, फिर हम कहेंगे कि डेवलपमेंट हो रही है। तभी कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज, कि जो हमारे कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज है। यहाँ पे अभी जो ह्यूमन लाइफ है उसकी अभी उतनी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उतना हाई नहीं हुआ, पूरे सभी जो इंडियंस हैं उनको न्यूट्रिशन जो फूड है वो प्रोवाइड नहीं हो पाता अभी, इसलिए डेवलपिंग और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे ये चीज़ें नहीं पाई जाती। हो सकता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो वहाँ पे, बट वहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब जैसे न्यूट्रिशन है, हेल्थ केयर फैसिलिटी है, ड्रिंकिंग वाटर है, मेडिसिन, हॉस्पिटल, वैक्सीनेशन, सैनिटेशन, एजुकेशन लेवल है, तो ये क्या क्वालिटीज हैं वहाँ पे। या यहाँ पे कहीं ये बात कर लीजिए कि जब ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी में, प्लस उसका जो इफेक्ट पड़ रहा है सारे जो सेक्टर हैं वो ये भी ग्रो कर रहे हैं, और क्वालिटी यानी कि क्वांटिटी प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ वो भी इंप्रूव हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक्स। और इसलिए हम इसको कैसे कह सकते हैं, कुछ एरियाज में जैसे हायर द ग्रोथ और हायर द डेवलपमेंट, कि ग्रोथ ज्यादा हो रही है तो डेवलपमेंट भी ज्यादा होगी, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। हायर ग्रोथ और लोअर डेवलपमेंट ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ एरियाज, पर्टिकुलर एरियाज ग्रो कर जाएं और जो ओवरऑल एरियाज ना ग्रो करें तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। इस तरह यह भी हो सकता है कि लोअर ग्रोथ हो पर जो क्वालिटी है वो अच्छी हो रही हो तो वहां पर डेवलपमेंट होगी, ज्यादा होगी। तो इसको हम ऐसे कंपेरिजन कर सकते हैं। अब बात आती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट की, यहाँ पे उसको मेजर कैसे करते हैं कि कहीं पे ह्यूमन जो हमारा ह्यूमन बीइंग है उसकी डेवलपमेंट कितनी है। तो इसको मेजर करने के लिए इंडेक्स बनाया हुआ, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। निकाला किसने था, एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट था, मुजीब मुसुल हक, महबूल हक उसका नाम था,
उसने शुरू किया था, और सबसे पहले जो रिपोर्ट है वो दी थी, ये आप देख पा रहे हैं, यूएनडीपी की पहली रिपोर्ट पब्लिश 1990 में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उन्होंने एचडीआई या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट पहली पेश की थी, और शुरू बनाई किसने थी, महबूब उल हक और इम कॉल, ये दो लोग थे। इसलिए अगर क्वेश्चन आता है कि किसने शुरू किया, किसने मेजरमेंट दी, किसने सबसे पहले, इट वॉज महबूब उल हक, ही वॉज लीडिंग द टीम जिसने रिपोर्ट तैयार की थी। और इसमें करते क्या है, कैसे कैलकुलेट, तीन पैरामीटर्स हमने रखे हैं जिसको लिया जाता है, और वो कौन कौन से पैरामीटर्स है आप उनको याद रखें। तभी हम जो जनरल डिस्कस करते हैं, हम देखते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, लिविंग स्टैंडर्ड किस पर डिपेंड करेगा, उसकी परचेजिंग पावर वहाँ के लोग, यानी कि इसमें क्या काउंट करेंगे, पर कैपिटा इनकम, कि इनकम कितनी है लोगों की, इंडिया के लोग जो है पर कैपिटा ऑन एवरेज कितना कमा लेते हैं, क्योंकि पैसा होगा तभी वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं प्लस दूसरी वो पूरी कर सकते हैं। सेकंड इज नॉलेज, नॉलेज को हम कैसे काउंट करेंगे, वन इज लिटरेसी रेट, इज वन लिटरेसी रेट हमारा कितना है आज कि 65 था 74% हो चुका है। दूसरा जो उसमें एनरोलमेंट रेशो क्या है, कितने बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं आज, एनरोलमेंट कितनों की है। तीसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कितने साल तक वो जिएंगे, या ऐसा होता है ना इन्फेंट्स जब होते हैं तभी उनकी डेथ हो जाती है, हमारा जेट इज कॉल्ड IMR इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, की जो इन्फेंट्स हैं उनकी मृत्यु दर क्या है, अगर वो मृत्यु दर कम हो रही है तो ये तीनों चीज़ें देखी जाती है, लिविंग स्टैंडर्ड, नॉलेज और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इन तीनों से हम निकालते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और उसमें हमने क्या रखा, स्केल रखा हुआ है 0 to 1 इज आर स्केल, ये आप देख पा रहे हैं जो 0 to 1, और इसको हम कैसे कर रहे हैं, ये तीन हमने बनाए हुए हैं, मीडियम हाई और लो, कि 0 to अगर हम लहेंगे 0.499 यानी कि हाफ से पहले, दिस इज अगर इतना किसी का रैंक आता है दिस इज लो, वहाँ की ह्यूमन डेवलपमेंट जो ग्रोथ है वो लो है, और अगर 0.5 ले लीजिए आधे से 0.799 यानी कि 0.8 से कम तो दिस इज मीडियम, और अगर 0.8 से मैं कंप्लीट 1 तक जाता हूँ तो दिस इज हाई है, वहाँ का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो ह्यूमन बींग है उनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, वो डेवलप कर रहे हैं। तो ये कहाँ पे, जो नॉर्वे वगैरह कंट्रीज हैं, पर्टिकुलर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, उनका जो एच डी आई है वो 8 से ज़्यादा है उनका, और इंडिया का, इंडिया अभी 0.5 में आता है, मीडियम में आते हैं हम, तो हमें और इसकी ज़रूरत है। उसके अलावा एक कंट्री है भूटान, उसने अपना अलग ही एक इंडिकेटर बनाया था, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, हम GDP काउंट करते हैं वो GNH काउंट करें, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, उसने 1970s में शुरू किया था, और उसमें तीन चार चीज़ें ली जो भूटान ने, वो आपको पता होनी चाहिए, एक क्वेश्चन आ जाता है जनरली, वन इज पर कैपिटा इनकम, दूसरा गुड गवर्नेंस, तीसरा एनवायरनमेंट, और चौथा कल्चर प्रमोशन, की कल्चर जो वैल्यूज़ हैं वो उसको कितना प्रमोट कर पा रहे हैं, ये इसमें लिटरेसी रेट नहीं ले रहे हैं और ना ही जो मॉर्टेलिटी रेट है या लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोल रहे हैं, हम ये क्या ले रहे हैं, इनकम, गवर्नेंस, एनवायरनमेंट और कल्चर, ये चार एस्पेक्ट हैं जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में आते हैं। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद।